हेलो एवरीवन, एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा 2021 के लिए शीघ्र ही स्पेशल बैच प्रारंभ होने जा रहा है और यह बैच 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा। और कुछ छात्रों ने डिमांड किया था डेमो क्लास के लिए, तो इसमें आपको गणित का औसत टॉपिक होता है एवरेज, तो इसके टाइप फर्स्ट के कुछ क्वेश्चन कवर करेंगे इस वीडियो में। और आप लोग डेमो क्लास देखने के बाद स्पेशल बैच में ज्वाइन होने के लिए दिए गए लिंक पर संपर्क कर सकते हैं। लिंक दिया हुआ है, व्हाट्सएप लिंक है 7987901796। इस लिंक पर संपर्क करके आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और इस बैच में टोटल सेलेक्टेड क्वेश्चन करवाए जाएंगे, जो न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है स्पेशल एसएससी जीडी के लिए। और जो जिस क्वेश्चन की डिमांड है आज के टाइम पर एग्जाम में, तो वही क्वेश्चन आपको बैच में देखने को मिलेगा और बेसिक के साथ वहां पर समझाया जाएगा। और इसमें तो केवल सेलेक्टेड क्वेश्चन टाइप फर्स्ट के देख लीजिए आप लोग, डेमो क्लास है। और डेमो क्लास देखने के उपरांत ही आप बैच में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन करवाने हेतु ये नंबर दिया हुआ है व्हाट्सएप लिंक, तो इस पर आप संपर्क करके और शीघ्र ही 1 अप्रैल के पहले पहले आप रजिस्टर्ड हो सकते हैं इस बैच में। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, और ये जितने क्वेश्चन करवाए जाएंगे तो इनका आपको पीडीएफ फाइल भी उपलब्ध करवाया जाएगा। और ये सभी स्पेशल क्वेश्चन है, तो इसमें आप तरीका देखिएगा सॉल्व करने का। और देखिए, दोनों क्वेश्चन का एक ही तरीका है, लेकिन यदि क्वेश्चन चेंज होगा तो फिर इसको कैसे करेंगे, कुछ तो ट्रिक होती है और कुछ मैथड होते हैं। तो देखिए, प्रश्न फर्स्ट है, एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाकर पुनः 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लौट आता है, तो उसकी औसत चाल ज्ञात करें। तो देखिए, एक बार जाता है और फिर पुनः वापस लौट आता है, तो दूरी दो स्टेप में पूरी हुई है। ये दूरी तय किया है, तो दूरी दो स्टेप में पूरी हुई। तो जब दूरी दो स्टेप में पूरी हुई, एक बार गया और एक बार वापस लौटता है, तो इसका डायरेक्ट फार्मूला एक होता है औसत चाल का। और इस फार्मूले को आप लोगों को यूज नहीं करना है, अभी इस सवाल में इसी को यूज कर लेंगे जब इस तरह का सवाल आएगा। तो यहाँ पर एक फार्मूला होता है कि 2ab/a+b। अब यहाँ दो इसलिए लेते हैं क्योंकि दूरी दो स्टेप में पूरी हुई है, एक बार गया है एक बार वापस आया है, तो a की वैल्यू हो जाएगी जो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये a हो जाएगा, और b की वैल्यू हो जाएगी ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको डायरेक्ट इस फार्मूले में पुट कर सकते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पर 2 गुणे और a का मान हो जाएगा 60, तो यहाँ 60 हो जाएगा गुणे, और b की वैल्यू ये 40 यहाँ पुट करेंगे, तो 2 गुणे 60 गुणे 40 और बटे हो जाएगा 60+40, क्योंकि a प्लस b है। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे तो औसत चाल आ जाएगी। तो यहाँ पर देखिएगा, ये तो ज्यों का त्यों लिखेंगे 2 गुणे 60 गुणे 40, और ये देखिएगा नीचे दोनों वैल्यू जुड़ जाएगी, तो 60 40 कितना हो जाएगा यहाँ पर 100। अब कैंसिल आउट करना रह गया, तो यहाँ पर देखिएगा 2 0 ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, 0 0 सरल तरीके से इसको कैंसिल आउट किया जाता है। फिर 6 2 12 12 4 48, इसमें आ जाएगा फाइनल 48 किलोमीटर प्रति घंटा, यही औसत चाल होगी। तो इस फार्मूले में इसको तो पुट कर देते हैं इस सवाल को, 2ab/a+b, जब यहाँ पर दो वैल्यू दी हो, ए का मान दिया हो और बी का, और सपोज एक सी आ जाए, तब फिर प्रॉब्लम होती है। ये तो ट्रिक काम करेगी इसमें, जैसे अगला सवाल देखिएगा। और आप लोगों को जो सवाल में तरीका बताया जाएगा, तो ये ट्रिक यूज नहीं करना है, क्योंकि जब उसमें 3 वैल्यू होगी या 4 वैल्यू हो जाए, जैसे ABCD 4 4 वैल्यू हो जाएगी, तो फिर ये ट्रिक काम नहीं करेगी वहाँ पर। तो देखिएगा, एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाकर पुनः 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस लौट आता है, तो उसकी औसत चाल ज्ञात करें। तो औसत चाल, अब देखिए यहाँ पर एक बार जाता है और पुनः वापस लौट आता है, तो दूरी दो स्टेप में पूरी हो रही है, और यहाँ पर ये a का मान कहलाएगा, ये b का कहलाएगा, तो इसके लिए तो एवरेज स्पीड जब निकालना होगा, तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए डायरेक्ट निकाल सकते हैं, वही फार्मूला अप्लाई करेंगे 2ab/a+b, तो इसमें टाइम कम लगता है। और इसमें देखिएगा, 2 गुणे a की वैल्यू दिया है यहाँ 30, तो यहाँ 30, फिर गुणे b की वैल्यू दिया है 20, तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे 20, फिर बटे हो जाएगा 30+20। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणे 30 गुणे 20 और बटे हो जाएगा 30 और 20 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 50। अब इसको कैंसिल आउट करना है, तो 0 0 कैंसिल आउट कर देते हैं। फिर यहाँ से देखिएगा, 5 एकम 5 5 चौक 20, तो अब देखिए जो वैल्यू बची उसका गुणा कर लेंगे, तो 2 3 6 6 चौक 24, तो यहाँ पर हो जाएगा 24 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो जाएगी एवरेज स्पीड।
लेकिन इसी सवाल को दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे तो देखिएगा। मान लीजिए कि यहाँ दो वैल्यू ना दिया हो, ए और बी न देकर के एक और तीन वैल्यू दे दे, सी और चार दे देता है डी, तो अगले क्वेश्चन में देखिएगा, तब फिर ये ट्रिक यूज नहीं करना है, ये केवल इन्हीं सवालों के लिए यूज होगी। जो छात्र बैच ज्वाइन करेंगे उनको पहले बेसिक भी समझाया जाएगा इस टॉपिक का। यहाँ पर तो डायरेक्ट क्वेश्चन कर आप लोग देख लीजिए, डेमो है जो सेलेक्टेड क्वेश्चन आपके बैच में चलेंगे, तो और इसी क्वेश्चन की डिमांड रहती है। देखिए जैसे तीसरा क्वेश्चन ये थोड़ा अलग टाइप का है, दो क्वेश्चन जो अभी सॉल्व किए उसके उससे अलग है। एक व्यक्ति अपनी कुल यात्रा को तीन बराबर भागों में बांटकर क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो उसकी औसत चाल ज्ञात करें। अब यहाँ पर तो तीन वैल्यू हो गई, ए का मान हो गया ये बी का और यहाँ तो ये सी हो गया, तब फिर उसके लिए क्या करेंगे, तब फिर इसमें देखिएगा एवरेज स्पीड के लिए जब भी औसत चाल ज्ञात करना हो और जब तीन हो जाए ए बी सी और दूरी न दिया हो और समय भी नहीं दिया केवल चाल दिया है, तो ये ए कहलाया, ये बी कहलाया, यहाँ सी आ गया प्रश्न में, अभी डी भी आ जाएगा, तो उसके लिए औसत चाल के लिए देखिए दूरी तीन पार्ट में, तीन स्टेप में डिवाइड हो रही है, कह रहा कि एक व्यक्ति अपनी कुल यात्रा को तीन बराबर भागों में बांट रहा है, तो दूरी तीन स्टेप में पूरी हो रही है, तीन स्टेप में पूरी हो रही है यहाँ पर। और अभी अगला सवाल रहेगा जिसमें दूरी चार स्टेप में पूरी होगी, तब इसके लिए देखिएगा यहाँ पर देखिएगा औसत चाल का फार्मूला होता है, दूरी तीन स्टेप में पूरी हो रही तो कुल दूरी तीन होगी और फिर बटे यहाँ पर वन अपान ए प्लस वन अपान बी प्लस वन अपान सी, बस इसको सॉल्व कर लेना है। अब यहाँ पर इसी में फार्मूले में पुट कर देना है, ये इस टाइप से हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ कुल दूरी तो तीन है और बटे पहले दूरी को जब तय किया था तो चाल थी 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तो दूरी बटे चाल मतलब पहली दूरी को तय करने में लिया गया समय, क्योंकि औसत चाल का फार्मूला होता है कि कुल दूरी और बटे कुल समय, तो अलग अलग स्टेप की दूरी में अलग अलग समय लगा, तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहे हैं वन अपान, यहाँ पर ए की वैल्यू हो 40 और प्लस वन अपान बी की वैल्यू देखिए यहाँ 30 और प्लस वन अपान सी की वैल्यू हो जाएगी 15, इसी को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर अब एलसीएम की बात होती है, एलसीएम निकालना है, तो ये तो तीन रहेगा अंश में और यहाँ पर देखिए 40, 30 और 15 का एलसीएम निकालना है, तो आप लोग एलसीएम एचसीएफ का वीडियो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में उपलब्ध है टॉपिक वाइज में। डायरेक्ट शॉर्टकट में निकालते हैं तो सबसे बड़ी संख्या के फैक्टर कर लेते हैं, जब भी 15, 30, 40 का एलसीएम निकालना हो तो इसके फैक्टर करेंगे तो शून्य का मतलब होता है दो और पाँच, इसके गुणनखंड होंगे, दो पाँच से शून्य बनेगा और चार का मतलब होता है दो गुणे दो, तो इसको लिख सकते थे दो दूनी चार दूनी आठ पंचे 40, सीधा सीधा लिख सकते थे। और इसमें 30 के गुणनखंड आ जाए तो शून्य का ये दो पाँच ऑलरेडी है और तीन नहीं था तो इसमें तीन का भी गुणा कर देंगे, इसमें 15 भी आ जाए तो तीन पच्चे 15 जब गुणनखंड करेंगे तो तीन और पाँच मौजूद है यहाँ पर, तो देखिएगा दो शून्य से एक सॉरी दो पाँच से एक शून्य बनेगा और तीन दूनी छः दूनी 12 और एक शून्य तो 120 एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर 120। तो आप लोग एलसीएम निकाल लीजिएगा 40, 30, 15 का, और या कि फिर एलसीएम एचसीएफ का टॉपिक उपलब्ध है प्लेलिस्ट में तो वहाँ से आप बेसिक कवर कर लीजिए। और ग्रुप में जो ज्वाइन होंगे बैच में तो उनको तो अलग से बताया जाएगा पूरे सभी टॉपिक स्पेशल। अब यहाँ 120 एलसीएम आया तो भाग करेंगे 40 से, 40 त्याई 120, तीन बार जा रहा है तो तीन का गुणा एक में करेंगे तो तीन एक कम तीन फिर प्लस 120 में भाग करेंगे 30 से तो 30 चौक 120 चार बार जाएगा फिर चार एक कम चार गुणा कर देंगे, फिर 120 में भाग करेंगे 15 से तो 8 बार जाएगा 15 अट्ठे 120 और 8 का गुणा 1 से करेंगे तो 8 एक कम 8। अब 120 है ये जो नीचे वाली वैल्यू तो ये 3 से गुणा हो जाएगा तो 3 गुणे हो जाएगा 120 और बटे हो जाएगा इनको आपस में जोड़ेंगे तो 8 4 12 12 3 15 यहाँ पर 15 होगा और ये जो नीचे था 120 तो इसका अंश से गुणा हो जाएगा 3 के साथ। अब 15 एक कम 15 15 अट्ठे 120 कैंसिल आउट हुआ तो 3 गुणे 8 करेंगे तो 3 अट्ठे 24 किलोमीटर प्रति घंटा होगी एवरेज स्पीड। तो इस तरह फाइंड करेंगे। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जिसमें दूरी चार स्टेप में डिवाइड होती है तो ये तरीका रहेगा निकालने का। क्वेश्चन नंबर चार देखिए, 80 किलोमीटर की यात्रा में एक रेलगाड़ी टोटल देखिए दूरी दिया है 80 किलोमीटर, फिर इसको डिवाइड कर रहा है, प्रथम 60 किलोमीटर तक चलता है तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से,
तय करती है तथा शेष दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। शेष दूरी का मतलब जब 60 किलोमीटर चल जाएगा और 80 किलोमीटर है तो 20 किलोमीटर बची और उसको 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है, तो संपूर्ण यात्रा की औसत चाल क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए कोई भी सवाल आए तो औसत चाल का सूत्र होता है, पहले समझेंगे औसत चाल बराबर, ये सवाल थोड़ा अलग है, फिर इसके बाद चार स्टेप वाला भी कवर करेंगे जब दूरी चार स्टेप में डिवाइड होगी। तो औसत चाल बराबर सूत्र होता है कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। अब कुल समय को डिवाइड करेंगे, देखिएगा यहाँ पर कुल समय, अब यहाँ पर देखिएगा समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, समय बराबर एक फार्मूला होता है दूरी बटे चाल। तो समय हर स्टेप में अलग अलग लगेगा, जितने स्टेप की दूरी तय करेंगे और जिस चाल से, तो समय अलग अलग लगेगा। तो यहीं पर कुल दूरी तो ये रहेगा जितनी रहेगी कुल दूरी, लेकिन यहाँ पर जो कुल समय है तो इसको देखिए डिवाइड करेंगे समय को, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, तो पहले दूरी वन और बटे चाल वन, मतलब दूरी फर्स्ट और चाल फर्स्ट। तो ये पहले स्टेप की दूरी जब तय किया तो कितना समय लगा, क्योंकि अलग अलग समय निकालेंगे तब कुल समय कहलाता है। अगले स्टेप की जब दूरी करेंगे तय करेंगे, मतलब दूरी सेकंड, तो उसकी चाल भी दी रहेगी, तो इसको चाल सेकंड। इसी तरह आगे इसको बढ़ते जाएंगे तो ये हो जाएगा टोटल समय, क्योंकि दूरी बटे चाल होता है समय बराबर, तो अलग अलग समय लगेगा अलग अलग स्टेप की दूरी पूरी तय करेगा। तो यहाँ पर देखिए वैल्यू इसी में अपूर्ण किया जाता है, इस वाले फार्मूले में मेन फार्मूला ये होता है कुल दूरी बटे कुल समय को इस तरह लिख लेते हैं, दूरी फर्स्ट बटे चाल फर्स्ट प्लस दूरी सेकंड बटे चाल सेकंड प्लस इसी तरह डैश करके आगे बढ़ते जाएंगे। तो देखिएगा कुल दूरी दिया है 80 किलोमीटर, प्रश्न में जाएंगे क्योंकि 80 किलोमीटर की यात्रा है टोटल, तो कुल दूरी दिया है 80 किलोमीटर, तो 80 हो गया और फिर बटे, अब दूरी फर्स्ट तो कह रहा है कि प्रथम 60 किलोमीटर, ये दूरी दिया है, दूरी फर्स्ट है 60 किलोमीटर और उसके लिए चाल दिया है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो चाल दिया है 40 किलोमीटर, तो ये समय आ जाएगा दूरी बटे चाल। तो मतलब पहले स्टेप की दूरी तय करने में ये समय आ गया, फिर अगला समय क्योंकि टोटल समय इसी तय निकालेंगे। अब कह रहा है कि शेष दूरी, तो अब देखिए 60 किलोमीटर तय कर लिया और टोटल है 80 किलोमीटर, तो बचा 20 किलोमीटर और शेष दूरी को तय करता है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय कर रही है रेलगाड़ी, तो यहाँ पर 20/20 हो जाएगा और बस ये हो जाएगा सेकेंड स्टेप का समय, तो ये टोटल समय हो जाएगा कुल दूरी बटे कुल समय, इस तरह वैल्यू पुट करना है। तो यहाँ पर देखिए अब इसको सॉल्व कर लेंगे 80 बटे, और यहाँ पर ये कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, 20 दूनी 40, 20 तिहाई 60, और यहाँ पर इसको 20 से 20 कैंसिल आउट करेंगे तो 1/1 हो जाएगा। अब 3/2 और प्लस 1/1 मतलब एक ही कहलाएगा, तो यहाँ पर 3/2 और प्लस इसको लिख देंगे यहाँ पर एक, तो इसको लिखा जा सकता है, देखिएगा 80/1 और 3/2 दोनों को जोड़ देंगे तो 2 × 1 = 2 और 2 × 3 = 5, 5/2 इसको डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं, 5/2 यही 2 ऊपर चला जाएगा, तो मतलब यहाँ पर 80 के साथ गुणा कर देंगे 2 का और बटे में ये 5 रहेगा, तो 5 × 5 = 5, 16 × 5 = 80, अब 16 × 2 करेंगे तो 16 × 2 = 32 किलोमीटर प्रति घंटा होगी एवरेज स्पीड, इस तरह फाइंड करेंगे। तो इसको सॉल्व इसी तरह किया जाता है इन प्रश्नों को। एक सवाल और देखेंगे कि जब दूरी चार स्टेप में डिवाइड होती है, इस तरह का भी क्वेश्चन आ जाता है और टाइप फर्स्ट में जितने टाइप के क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सभी कवर कर लेते हैं और आपको केवल टाइप फर्स्ट इसमें करवाया जाएगा, और इस टॉपिक में जाके 10 से 12 टाइप के टोटल क्वेश्चन होते हैं, तो आपको बैच ज्वाइन होने के बाद भी ये सब मिल जाएगा टोटल सारी सुविधाएँ, और बैच में आपको बेसिक भी क्लियर किया जाएगा, ये तो डायरेक्ट यहाँ क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, पहले बेसिक क्लियर किया जाएगा तो ये आप लोग अपने से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे इस तरह के प्रश्नों को। पांचवा क्वेश्चन देखिएगा, जब दूरी चार स्टेप में डिवाइड होती है तो देखिए एक हवाई जहाज किसी वर्गाकार मैदान की चारों भुजाओं, अब ये वर्गाकार मैदान है तो चार भुजाएं इसमें चारों भुजाओं की यात्रा तय करता है, तो पहली भुजा हो गई इसको, तो दूसरी ये तीसरी चौथी चार भुजाएं हो जाएंगी, तो चारों भुजाओं की यात्रा क्रमशः 200 किलोमीटर प्रति घंटा, 400 किलोमीटर प्रति घंटा, 600 किलोमीटर प्रति घंटा, 800 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। तो हवाई जहाज की औसत चाल ज्ञात करें, अब देखिएगा यहाँ पर अब इसको ए मान लेते हैं, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ये डी हो जाएगा। अब चार भुजाएँ हैं तो टोटल दूरी चार स्टेप में पूरी हुई है, यहाँ पर दूरी चार स्टेप में पूरी होगी, तो इसके लिए क्या करेंगे, चार स्टेप में पूरी, और जब भी इस तरह का प्रश्न आए कि केवल चाल दिया रहे किलोमीटर प्रति घंटा में और औसत चाल पूछे और दूरी न रहे और ये दूरी डिवाइड कर देता है या तो 3 स्टेप या 4 स्टेप या 2 स्टेप, तो उसके लिए डायरेक्ट एक फार्मूला होता है, औसत चाल बराबर, देखिएगा औसत चाल
ये चार स्टेप के लिए है, तो कुल दूरी हो जाएगी चार टोटल दूरी, क्योंकि चार स्टेप में पूरी हुई है। यदि त्रिभुजाकार यदि खेत की तीन भुजाओं में यदि यात्रा करता तो टोटल दूरी तीन स्टेप में पूरी होती, तो यहाँ पर तीन लिखते और यहाँ पर तीन भुजाएं हो जाती। तो देखिए अलग अलग चाल दिया रहता, यहाँ पर तो ए बी सी डी चार मतलब वैल्यू हो गई, तो यहाँ पर वन अपान ए पहली स्टेप की जो पहले स्टेप में समय लगेगा, तो कुल दूरी बटे कुल समय, पहले स्टेप की दूरी और पहले स्टेप का सॉरी चाल, तो पहले स्टेप में तय किया गया समय या लिया गया समय प्लस दूसरे स्टेप की दूरी एक और दूसरे स्टेप का चाल दिया है 400 किलोमीटर प्रति घंटा जो कि ये बी है, और प्लस तीसरे स्टेप की दूरी एक फिर से लेंगे क्योंकि चार स्टेप में है, और तीसरे स्टेप का चाल हो जाएगा यहाँ पर सी। तो ये समय अलग अलग निकाल रहे हैं क्योंकि दूरी बटे चाल, फिर दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, तो दूरी वन बटे चाल वन, दूरी टू बटे चाल टू अलग अलग है, तो ये समय इस तरह निकाला जाता है। प्लस ये चौथे स्टेप को पूरा करेगा तो ये डी चाल से चल रहा है, इस तरह से ये इस फार्मूले में पुट कर देते हैं जब भी औसत चाल निकालना हो, और ये दूरी चार स्टेप में पूरी हुई है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ स्मॉल लेटर लिखेंगे डी। अब देखिए यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, टोटल दूरी तो ये चार होगी, फिर बटे एक बटे यहाँ पर ए की वैल्यू दिया है 200, तो यहाँ पर 200 हो जाएगा, प्लस एक बटे दूसरी चाल दिया है 400, तो यहाँ बी की वैल्यू 400, प्लस एक बटे ये वैल्यू दिया है 600 सी की जगह, और प्लस एक बटे हो जाएगा यहाँ पर 800। अब यहाँ पर इनका एलसीएम निकालना है 200, 400, 600, 800। अब शून्य देखिए, दो दो शून्य लगे हैं, तो शून्य को छोड़ करके केवल 2, 4, 6, 8 का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो जब एलसीएम निकालना होता है तो देखिएगा 2, 4, 6, 8 का एलसीएम, आप लोग एलसीएम वाला टॉपिक देख लीजिएगा, बहुत ही इजी मेथड है एलसीएम निकालने का। सबसे बड़ी संख्या के गुणनखंड कर लेते हैं, 2 × 4 × 8, अब इसमें 6 भी आ जाए तो 2 ऑलरेडी है, 6 के लिए 3 का गुणा करना होगा, मतलब एक गुणनखंड घट रहा था, तो ये 6 भी इसमें आ गया। इसमें 4 है, 2 × 4 ऑलरेडी, और 2 भी है, तो मतलब 8 × 3 = 24 एलसीएम आएगा 24। तो टोटल एलसीएम आ जाएगा 24, यहाँ 4 बटे, और यहाँ पर लिख देंगे 200, 400, 600, 800 का एलसीएम हो जाएगा 2400, क्योंकि दो जीरो लगाएंगे बगल में, दो दो जीरो है इसलिए। अब इसके बाद 2400 का भाग जब 200 से देंगे तो 0, 0 तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2 का भाग 24 में देंगे तो 12 आएगा, 12 × 2 = 24, तो 12 × 1 = 12, फिर प्लस 2400 में भाग देंगे 400 से, तो यहाँ 0, 0 तो पहले कैंसिल आउट करेंगे, अब 4 का भाग 24 देंगे तो 6 बार जाएगा, 4 × 6 = 24, और 6 × 1 = 6, पहले भाग करेंगे फिर गुणा। अब यहाँ 600 से भाग करना है 2400 में, तो 0, 0 ये कैंसिल आउट हो गया, और 6 × 6 = 24, 4 आएगा, फिर 4 का गुणा 1 से करेंगे, तो यहाँ पर 4 × 1 = 4, फिर प्लस 2400 में 800 से भाग करना है, 2400 में 800 से, तो 0, 0 ये कैंसिल आउट हो गया, फिर 8 × 3 = 24 भाग करेंगे 3 आएगा, और 3 × 1 = 3। अब ये 2400 को गुणा 4 से हो जाता है, यहाँ प्रोसेस होगा जो ये हर में है, तो इससे गुणा होगा, तो 4 × 2400 और बटे यहाँ पर इनको जोड़ लेंगे तो 12 × 6 = 18, 18 × 4 = 22, 3 = 25, तो यहाँ पर आ जाएगा जोड़ने पर 25। अब इसको कैंसिल आउट करना है, देखिएगा तो 25 से ही कैंसिल आउट करेंगे, 25 × 1 = 25, यहाँ पर देखिए 25 नहीं है 225, यहाँ पर 240 था, तो 225 15 बचेगा तो 150 हो गया, तो फिर 6 बार जाएगा 25 × 6 = 150। अब इसका आपस में गुणा कर देना है तो किलोमीटर प्रति घंटा में चाल आ जाएगी औसत चाल, तो 4 × 6 = 24 हासिल 2, 4 × 36 = 38, 384 किलोमीटर प्रति घंटा होगी औसत चाल, इस तरह इसको सॉल्व करना है। तो ये दूरी चार स्टेप में डिवाइड हुई थी, तो औसत चाल के लिए कुल दूरी चार हो जाएगी, और फिर 1 बटे a + 1 बटे b, और ये अलग अलग चाल दिया हुआ है प्रश्न में, तो इस तरह वैल्यू पुट करके निकाल लेंगे। तो देखिए इसमें हर प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, टाइप फर्स्ट के ये क्वेश्चन है, और क्लास में तो स्पेशल आपको बैच में उपलब्ध करवाया जाएगा, तो क्वेश्चन छूटेगा नहीं यदि इसको आप कवर करेंगे, क्योंकि आज के टाइम पर इसी स्टैंडर्ड के क्वेश्चन बनने लगे हैं। तो और ये व्हाट्सअप लिंक दिया हुआ है, तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क करके बैच में ज्वाइनिंग ले सकते हैं, और न्यू बैच जल्द ही स्टार्ट हो रहा है। छठवां क्वेश्चन देखिएगा, हर वैरायटी के क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलेगा टाइप फर्स्ट में मात्र, और इस तरह के आपको 10 से 12 टाइप एवरेज में बनते हैं, तो क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। एक व्यक्ति 12 किलोमीटर की दूरी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, देखे अलग से दूरी दिया है और उसकी चाल भी दिया है, फिर देता है 18 किलोमीटर की दूरी 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तथा 24 किलोमीटर की दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो उसकी औसत चाल ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखेंगे औसत चाल के लिए अभी अभी फार्मूला बताया गया,
अब ये दूरी तीन स्टेप में पूरी हो रही है तो औसत चाल बराबर कुल दूरी, पहले ऊपर लिखते हैं कुल दूरी। तो कुल दूरी तो देखिए पहले 12 किलोमीटर की दूरी है, अब अलग अलग दूरी डिवाइड किया है कई स्टेप में, पहली दूरी 12 किलोमीटर फिर दूसरी दूरी है 18 किलोमीटर, तो इन दूरी को जोड़ लेंगे सभी को, फिर लास्ट में देखिए 24 किलोमीटर भी है तो यहाँ 24, तो ये कुल दूरी हो गया फिर बटे कुल समय। तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी फर्स्ट और चाल फर्स्ट पहले लिखेंगे तो पहले स्टेप का समय आ जाएगा। तो पहले स्टेप की दूरी है 12 किलोमीटर प्रति और यहाँ पर चाल दिया है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये समय आ गया फर्स्ट स्टेप का। फिर इसके बाद कुल समय निकालना है, तो देखिए कुल दूरी तो ये हो गई, अब कुल समय इसी तरह निकालेंगे, दूरी फर्स्ट बटे चाल फर्स्ट, तो दूरी फर्स्ट और चाल फर्स्ट हो गया, अब दूरी सेकेंड और चाल सेकेंड, तो दूरी सेकेंड है 18 और चाल है 9 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर प्लस नेक्स्ट है ये 24 किलोमीटर दूरी तीसरी दूरी है और ये चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हो गया इस तरह से कुल समय हो गया, पहले स्टेप का समय, दूसरे स्टेप का समय, तीसरे स्टेप का समय, टोटल समय हो गया। अब इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं, 3 × 12 एलसीएम नहीं लेना है क्योंकि कैंसिल आउट हो रहा है, इसलिए 9 × 1 = 9, 9 × 2 = 18, फिर 4 × 1 = 4, 4 × 6 = 24, तो जोड़ देंगे तो 4 × 2 = 6, 6 × 6 = 12 हो जाएगा हर में, और अंश में हो जाएगा देखिएगा 8 × 4 = 12, 2 × 14 = 4 हासिल 1, 2 × 1 = 3, 3 × 1 = 4, 1 = 5, 54 और बटे हो जाएगा यहाँ पर 4 × 2 = 6, 6 = 12, तो 54 / 12 है। तो अब इसको 6 से कैंसिल आउट कर देते हैं सीधे से, 6 × 2 = 12 और 6 × 9 = 54, तो 9/2 को लिखेंगे, 9 में जब 2 से भाग करेंगे तो 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये इस तरह से ये औसत चाल हो जाएगी, इस तरह फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, फर्स्ट टाइप का, एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 20% भाग 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, अगला 50% भाग 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तथा शेष भाग, अब शेष भाग का मतलब जैसे 20% और 50%, तो 70% तय कर लिया, अब बचा 30%, टोटल दूरी तो 100% होती है प्रतिशत में, तो शेष भाग 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो उसकी औसत चाल ज्ञात करें। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि प्रतिशत वाले सवाल में, जब भी प्रतिशत वाला सवाल आता है तो प्रतिशत वाले सवाल में कुल दूरी 100% होती है। प्रतिशत का सवाल जब भी इस तरह का आएगा तो कुल दूरी यहाँ पर लिखेंगे, कुल दूरी बराबर 100%, अब टोटल दूरी 100% ही लेना पड़ेगा। तो लिखते हैं औसत चाल बराबर, अब औसत चाल निकालना है तो औसत चाल बराबर फार्मूला होता है कुल दूरी बटे कुल समय, तो कुल दूरी तो 100% होगी, तो 100 लिखेंगे, प्रतिशत सिंबल नहीं लगाएंगे। अब पहला 20% भाग, मतलब ये जो पहले स्टेप की दूरी और पहले स्टेप की चाल यहाँ पर लिखेंगे, तो ये समय हो जाएगा फर्स्ट स्टेप द्वारा लिया गया समय, पहले स्टेप की दूरी को तय किया करने में लिया गया समय। दूसरा स्टेप की दूरी है 50%, तो यानी 50 और औसत चाल, इसकी चाल दिया है 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो ये दूसरे स्टेप में लिया गया समय हो जाएगा, क्योंकि कुल दूरी बटे कुल समय निकालना है तो अलग अलग खंड का समय होगा। अब शेष दूरी कह रहा है कि शेष भाग, तो यहाँ पर 20% तो 50%, टोटल हो गया 70, अब शेष बचा 30, ये 30 शेष बचेगा क्योंकि टोटल 100 पूरा करना है, तो 30% भाग 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो यहाँ बटे 15, अब इसी को सॉल्व करना है, तो ये कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल आउट कर देंगे, 10 × 20 = 25, 25 × 25 = 25, 25 × 25 = 50, 15 × 1 = 15, 15 × 3 = 30, तो 2 × 2 = 4, 2 = 6 हो जाएगा, ऊपर 100 है तो यहाँ पर 100/6 हो गया 6, तो अभी तो 2 से कैंसिल आउट करते हैं, 2 × 3 = 6, 2 × 5 = 10, 50, 50/3, अब 50/3 को कन्वर्ट करेंगे जब भी ये विषम भिन्न हो तो मिश्र भिन्न बदल लेंगे, तो 16 × 2/3, क्योंकि 16 × 3 = 48, 2 × 50/3, अब किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये एवरेज स्पीड हो जाएगी। ऐसे इस तरह सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये प्रतिशत वाला सवाल है, एक भिन्न वाला सवाल है इसी टाइप में। क्वेश्चन नंबर 8वां देखिएगा, एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 1/3 भाग 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 1/4 भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तथा शेष भाग 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, उसकी औसत चाल ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखिएगा ये भिन्न वाला प्रश्न है, क्योंकि यहाँ दे रहा है कि 1/3 भाग 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो फर्स्ट स्टेप दिया है 1/3, अगला भिन्न दिया है 1/4 भाग, तो ध्यान रखेंगे कि जो भिन्न वाला प्रश्न होगा, जैसे अभी पिछला प्रतिशत वाला था, तो भिन्न वाले प्रश्न में कुल दूरी हो जाएगी एलसीएम, भिन्न वाले प्रश्न में कुल दूरी एलसीएम के बराबर होगी, यानी टोटल दूरी यहाँ होती है एलसीएम। एलसीएम किनका लेना है तो देखिएगा, यहाँ दो भिन्न दी हैं, इसको सॉल्व करने का तरीका देखिए, जैसे 1/3 दिया है और 1/4, ये दो भिन्न दी थी, तो 3 और 4 का एलसीएम लेना है, तो यहाँ पर एलसीएम 3 × 4 का देखिएगा,
तीन चार का एलसीएम 12 हो जाएगा, तो कुल दूरी टोटल दूरी हो जाएगी 12। यहाँ पर लिखेंगे अब जो 1/3 है तो देखिएगा इसका मतलब कितना होगा 12 में, तो 12 में 3 से जब भाग करेंगे तो 4 बार जाएगा, 3 × 12 फिर 4 × 1 = 4, तो जो 1/3 था तो उसका मतलब 4 यहाँ लेंगे, वैल्यू 4 ली जाएगी। और 1/4 जो ये तय किया था तो इसका मतलब देखिएगा 4 से भाग करेंगे 12 में तो 3 बार जाएगा, और 3 × 1 = 3 तो सेकेंड हो जाएगा 3। अब 4 और 3 टोटल हो गया 7, और यहाँ कुल दूरी दिया है 12, एलसीएम आ गया है 12, तो शेष बचेगा 5, ये 5 हो जाएगा शेष। तो देखिएगा अब यहाँ पर कैसे लिखेंगे, औसत चाल बराबर, पहले इतना आपको रफ वर्क करना होगा, इतना डिवाइड करना होगा, अब औसत चाल बराबर हो जाएगा कुल दूरी बटे कुल समय, तो कुल दूरी दिया है 12, ये एलसीएम के बराबर होती है कुल दूरी, और समय निकालना है तो जैसे 1/3 भाग, तो यहाँ 1/3 की जगह लिखेंगे 4, तो ये दूरी पहले स्टेप की 4 है, और चाल दिया था 25 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से, तो यहाँ पर लिखेंगे 25 इस तरह। प्लस अगले स्टेप में देखिए जो 1/4 भाग बोल रहा था तो उसका मतलब 3 लिखेंगे, और ये दूरी अगले स्टेप की 3 होगी, और चाल दिया है इसका 30 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से। प्लस जो शेष भाग बचा तो शेष भाग 5 बचेगा, क्योंकि 4 × 3 = 7, 7 × 5 = 12, 12 के बराबर करना है, तो इसलिए शेष 5 होगा, तो शेष भाग 5 जो बचा तो वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय किया था। तो ये इस तरह से टोटल समय हो जाएगा अलग अलग स्टेप का। अब इसको सॉल्व कर लेना है, तो 12/, अब यहाँ पर देखिएगा 25, 30 और 50 का एलसीएम निकालना है, तो बड़ी संख्या के फैक्टर करेंगे, तो 0 का मतलब होता है 2 और 5, 2 × 5 = 1 बनता है, और ये 5 और है तो 2 × 5 = 10 × 50 इसके फैक्टर हो गए। अब इसमें 30 भी आ जाए तो 0 तो ऑलरेडी यहाँ 2, 5 है, 3 एक्स्ट्रा बचा है तो 3 का गुणा कर देंगे, और इसमें 25 भी आ जाए तो 25 के लिए देखिए है ऑलरेडी 5 × 5 = 25, क्योंकि इसके फैक्टर में 5 और 5 होंगे तो गुणनखंड है। अब 2 × 5 = 1 बनता है, और 5 × 3 = 15, 5 × 3 = 15 और 1 = 0 लगाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 150, मतलब 25, 30 और 50 का एलसीएम होगा 150। ये तरीका आपको वीडियो उपलब्ध है तो आप वहाँ से कवर कर लीजिएगा, दिया हुआ है बेसिक के लिए। अब 150 में भाग करेंगे 25 से, तो 25 × 6 = 150 छः बार जाता है, 6 को 4 में गुणा करेंगे तो 6 × 6 = 24, प्लस 150 में भाग करेंगे 30 से, तो 30 × 5 = 150 पाँच बार जाएगा, 5 × 3 = 15, यहाँ गुणा करने पर 15 आएगा। फिर प्लस 150 में 50 से भाग करेंगे तो 3 बार जाएगा, 50 × 3 = 150, फिर 3 का गुणा 5 में करेंगे तो 3 × 5 = 15। अब ये 150 का गुणा 12 से हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिएगा वैल्यू हो जाएगी 12 × 150 और बटे हो जाएगा यहाँ पर 15 × 15 = 30 और 30 × 20 = 50 × 4 = 54, यहाँ पर हो जाएगी वैल्यू 54। अब इसी को कैंसिल आउट कर लेंगे, तो ये सबसे पहले देखिएगा ये कैंसिल आउट किससे होगा, तो 3 से कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पर 3 × 12 और यहाँ पर 18 × 3 = 54। अभी और कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 × 2 = 4, 2 × 9 = 18। अब यहाँ पर देखिए 3 से और कैंसिल आउट फिर से करते हैं, तो 3 × 9, 3 × 5 = 15, तो 50 × 100, 100 में 3 से भाग कर देना है, तो 100/3 का मतलब होगा 33 सही 1/3, क्योंकि 33 × 3 = 99, 100, तो 33 सही 1/3 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया औसत चाल, इस तरह फाइंड करते हैं, तो ये इसका आंसर होगा 33 सही 1/3 किलोमीटर प्रति घंटा। इसी तरह आपको बैच में क्लास क्वेश्चन मिलेंगे, सेलेक्टेड क्वेश्चन, और ये SSC GD के लिए स्पेशल बैच स्टार्ट हो रहा है, ओनली SSC GD के लिए। इसमें आपको रीजनिंग भी इसी तरह उपलब्ध होगा सेलेक्टेड क्वेश्चन का, पर लेकिन बेसिक उसमें क्लियर किया जाएगा जो बैच में ज्वाइन रहेंगे। और बैच में ज्वाइन हुए छात्र के लिए एक स्पेशल सुविधा रहेगी, ये व्हाट्सअप लिंक दिया हुआ है, तो जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुआ करेगी तो इस नंबर पर व्हाट्सअप करके और उसका अलग से उनको सोल्यूशन मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इससे भी इजी मैथड आपको मिलेगा बैच जब ज्वाइन करेंगे, तो उसमें कोशिश रहेगी कि एक लाइन या दो लाइन, ज़्यादा से ज़्यादा सोल्यूशन एक लाइन में ही हो जाए, ज़्यादा कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं होगी। कुछ टॉपिक ऐसे हैं, अभी तो एवरेज है तो इसमें तो सभी टाइप तो ऐसे नहीं है, लेकिन ये फर्स्ट टाइप स्टार्टिंग से ही कुछ क्वेश्चन होते हैं और इसमें कई टाइप होते हैं, तो ये आपके फर्स्ट टाइप के कुछ क्वेश्चन डेमो के लिए दिए गए हैं, आप लोग डेमो देखने के बाद ही, और ये दिए गए नंबर पर लिंक दिया हुआ है, तो आप संपर्क करके और रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और ये जल्द ही आपको ये बैच स्टार्ट हो रहा है, और इसमें आपको 4 मंथ में ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, ज़्यादा ड्यूरेशन नहीं रहेगा, 4 मंथ ओनली लगेंगे। तो मैथ्स, रीजनिंग, आपका हिंदी, GK GS, ये सभी आपको स्पेशल उपलब्ध करवाया जाएगा उस बैच में। और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।